हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई उजीत एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि भाई कुछ वीक से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था नेट की इश्यूज की वजह से। सो इसलिए सॉरी मेरे पूरे फैमिली को। और अब से मैं रेगुलर 2 दिन में वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, आप मेरे चैनल में ज़रूर से बने रहे। ओके, हम करेंगे गाइस के फोटो एडिट। आप तो जानते ही होंगे इस्माइल भाई को। तो इस फोटो को एडिट करने के लिए गाइस मैं यूज़ किया हूँ पिक्सार्ट और लाइटरूम एप्लीकेशन। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इस ट्यूटोरियल को पूरा देखना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके पास वाले बेल आइकन को जरूर से दबा देना ताकि मेरी अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और शेयर भी कर दिया करो यार, आपकी भाई को आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गाइस, बैकग्राउंड एंड PNG की लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अब वहां से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस, आज इंट्रो बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हमेशा की तरह बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया हूँ गाइस पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। और अब मैं चल जाऊँगा गाइस ऐड फोटो में। और ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस मैं मेरे मॉडल को कर लूँगा सेलेक्ट। सो अगर आपको गाइस बैकग्राउंड इरेज करनी आती है तो भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती तो गाइस मैं एक वीडियो की लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। सो अब वहाँ से जाके आराम से सीख सकते हो एकदम फुल HD में। ओके, सो गाइस मैं मॉडल की फ़ोटो को एकदम सही साइज में बीच में एकदम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद गाइस मैं यहाँ से कर देता हूँ डन। ओके, और यहाँ से अब मैं टूल्स में चल जाऊँगा और थोड़ी सी गाइस मैं साइड से क्रॉप कर लेता हूँ। हाँ ठीक है भाई। सो अब क्या करना है गाइस, सबसे पहले हमको करनी है अपनी फेस को स्मूथ। तो यहाँ से मैं चल जाऊँगा ब्यूटी की टूल में और यहाँ से मैं चल जाऊँगा फेस फिक्स में। और ब्रश की साइज रख लूँगा मैं 20 या 22, आप अपनी फ़ोटो के हिसाब से रख लेना। और यहाँ मैं सिंपली तरीके से यानी ब्रश को फेस में मार दूँगा। गाइस मैं यहाँ से कर देता हूँ भाई डन। अब फिर से मैं गाइस चल जाऊंगा बैक ब्यूटी की टूल में। और ब्यूटी की टूल में जाने के बाद गाइस मैं यहाँ से चल जाऊंगा स्मूथ में। ये ऑटोमेटिक हमारी स्मूथ वाली जो ब्रश है वो सेलेक्ट हो चुकी है और हमारी वो ऑटोमेटिक गाइस सेलेक्ट हो भी रही है। ओके, सो यहाँ से मैं 44 रख दूंगा इसकी साइज को और यहाँ से कर दूंगा डन। ओके गाइस, डन करने के बाद भाई हमारी फेस थोड़ी सी ब्लैक, थोड़ी सी काला लग रहा भाई, तो हमको थोड़ी सी गाइस गोरा करना है। ओके, सो मैं यहाँ से चल जाऊँगा स्किन टोन में और ऑटोमेटिक गाइस जो कलर है वो इसे सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ से गाइस आप बढ़ा घटा दोनों सकते हो। सो मैं इसको गाइस 67 या फिर 70 के आसपास रख देता हूँ, इतना सही लग रहा है। सो यहाँ से हम चल जाएंगे ड्रॉ टूल में। और ड्रॉ टूल में गाइस जाने के बाद 3 डॉट में क्लिक कर मैं अपने फोटो को कर देता हूँ सेव। गाइस चलिए चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन की तरफ। सो गाइस, मैं एडिट वाली पिक को इंपोर्ट कर लिया हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो भाई आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि भाई ये तो कुछ हुआ ही नहीं फोटो में, ये तो कुछ इफेक्ट ही नहीं लग रहा गाइस, सो मैं गाइस लाइटरूम एप्लीकेशन में इसलिए इंपोर्ट किया हूँ ताकि अपनी फ़ोटो में गाइस थोड़ी सी मैं कलर ग्रेडिंग कर सकूँ। उसके बाद गाइस हम फिर से चल जाएंगे पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। ओके, सो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ से चल जाता हूँ लाइट के टूल में और एक्सपोजर को गाइस मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ भाई, ज़्यादा भी मत कर देना यार जिससे फ़ोटो हमारी ख़राब हो सके। और कॉन्ट्रास्ट को गाइस मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और हाईलाइट को थोड़ी सी गाइस घटा देता हूँ, ज़्यादा भी नहीं भाई थोड़ी सी घटाता हूँ -32, अपने आप फ़ोटो के हिसाब से सब कुछ घटा लेना। ओके, सो यहाँ मेरे को शेडो थोड़ी सी गाइस कम लग रही थी तो मैं शेडो को भी, वाइट को थोड़ी सी गाइस मैं घटा देता हूँ और ब्लैक को भी घटा देता हूँ, बस इतना ही ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हैं गाइस बिफोर आफ्टर। ओके गाइस, जो कलर ग्रेडिंग हुई है लाइटनिंग थोड़ी लग रही फोटो की। अब यहाँ से गाइस मैं चल जाऊँगा थर्मामीटर वाली टूल में और यहाँ से मैं चल जाऊँगा मिक्स की टूल में। और मिक्स की टूल के बाद मैं सबसे पहले गाइस मैं जो ग्रास है नीचे यहाँ आपको दिख रही होगी जूता के सामने, आपको इसको येलो टोन दे देनी। ओके, सो यहाँ से मैं गाइस येलो टोन दे दिया हूँ और अब गाइस मैं यहाँ से कर दूंगा डन। डन करने के बाद गाइस आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में ये वाली टूल जरूर से मिल जाएगी प्रोफाइल्स की। आपको गाइस प्रोफाइल्स के टूल सेलेक्ट करनी है और यहाँ से आपको
आर्टिस्ट 3 वाली फिल्टर दिख रही होगी, आपको ये वाली सेलेक्ट कर लेनी है। ओके, ये वाली गाइज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो गाइज मैं ओपेसिटी है इसको 88 या 90 के आसपास रख देता हूँ और यहाँ से गाइज मैं कर देता हूँ अब डन। ओके गाइज, डन करने के बाद आप देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। ओके, बट अभी भी जो फोटो में गाइज चमक है वो नहीं आई है। ओके, तो वो लाने के लिए गाइज मैं चल जाऊंगा ये वाली टूल में और ये वाली टूल में जाने के बाद मैं गाइज टेक्सचर को थोड़ी सी भाई बढ़ा दूंगा और क्लैरिटी को भी गाइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ और विग्नेट की जो गाइज इफेक्ट है मैं इसको थोड़ी सी कम कर दूंगा। ओके, जिससे हमारी फोटो एकदम रियलिस्टिक सी लगे। ओके, अब गाइस मैं चल जाऊंगा ट्रायंगल वाले टूल में। ट्रायंगल वाले टूल में जाने के बाद मैं शार्पनिंग को गाइस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा क्योंकि हमारी फ़ोटो में हमको चाहिए थोड़ी सी शार्प वाली लुक और मास्किंग को भी गाइस मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूं और नॉच रेडोरेशन को भी थोड़ी सी गाइस मैं बढ़ा देता हूं। ओके गाइस, बढ़ाने के बाद यहाँ से मैं चल जाऊँगा ये वाली टूल में और ये वाले टूल में जाने के बाद लेंस प्रोफाइल करेक्शन में कर दूंगा ऑन और गाइस यहाँ से मैं शेयर में क्लिक करूँगा और अपनी फ़ोटो को कर दूँगा सेव टू डिवाइस। सो गाइस, हमें चाहिए अब थोड़ी डॉर्ज एंड बर्न वाली इफेक्ट, तो डॉर्ज एंड बर्न वाली इफेक्ट देने के लिए मैं फिर से चलता हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो मेरे भाई, मैं फिर से आ चुका हूँ एक बार पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर और गाइज मैं यहाँ से डॉर्ज एंड बर्न वाली इफेक्ट दूंगा अपनी फ़ोटो में ताकि हमारी फ़ोटो बहुत ज़्यादा ही रियलिस्टिक लगे। ओके, सो गाइज मैं चल जाऊँगा सबसे पहले टूल के ऑप्शन में और यहाँ से चल जाऊँगा एडजस्ट में। एडजस्ट में गाइज जाने के बाद मैं ब्राइटनेस को थोड़ी सी गाइज बढ़ा देता हूँ, 7 या 8 तक रखना इसकी ओपेसिटी को। ओके, और यहाँ से गाइज मैं चल जाऊँगा इरेजर की टूल में और यहाँ से इमेज को कर लूँगा इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के बाद गाइज मैं पेंसिल के टूल में वापस से क्लिक करूँगा और इसकी साइज थोड़ी सी गाइज छोटी रख लूँगा, ओपेसिटी को गाइज पूरी बढ़ा दूँगा और हार्डनेस को जो भाई थोड़ी सी मैं घटा देता हूँ। ओके, 50 या 60 के आसपास रखना। तो गाइस मैं जल्दी से मार लेता हूँ, देख सकते हैं मैं डॉजन वाली इफेक्ट दे दिया हूँ अपनी फोटो में, बट गाइस हमारी स्किन में जो चमक है ना भाई वो अच्छा से नहीं आ रही है। तो गाइस वो लाने के लिए मैं चल जाऊँगा ब्यूटी की टूल में और यहाँ से और एक बार चल जाऊँगा स्किन टोन में और हमारी कलर जो गाइस ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी थोड़ी सी लोडिंग लेके। और गाइस देखिए, बहुत सिंपली तरीके से हमारी सेलेक्ट हो चुकी है स्किन में इफेक्ट। सो मैं ब्राइटनेस को गाइस पूरी अमाउंट को बढ़ा दूंगा और यहाँ से कर दूंगा गाइस डन। ओकिंग करने के बाद गाइस अब हमें करनी है भाई एक पीएनजी को ऐड। सो मैं यहाँ से चल जाऊँगा ऐड फोटो के अंदर। सो गाइस ये वाली पीएनजी को मैं ऐड कर लिया हूँ अपनी फ़ोटो को, थोड़ी सी छोटी करके को थोड़ी रिसाइज कर देता हूँ यहाँ नीचे में। गाइस मैं बहुत इजी वे में लगा देता हूँ। ओके, उससे गाइस मैं जाऊँगा लेयर के ऑप्शन में, इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसका डुप्लीकेट की जो गाइज ओपेसिटी है इसको मैं 50 रख देता हूँ और गाइज मैं यहाँ से कर देता हूँ डन। ओके गाइज, डन करने के बाद भाई यहाँ से गाइज मैं चल जाऊँगा बॉर्डर में। ओके, बॉर्डर में जाने के बाद गाइज मैं आउटर को 0 कर देता हूँ और इनर को गाइज 1, 2 या 3 रख देता हूँ भाई, तो बॉर्डर बहुत बढ़िया लग रहा है साइड में। ओके, सो गाइज देखिए हमारी फ़ोटो हो चुकी है रेडी। मैं यहाँ से चल जाता हूँ ड्रॉ के टूल में और 3 डॉट में क्लिक करके अपनी इमेज को कर लेता हूँ एकदम फुल HD में सेव। आई होप गाइस आपको मेरी ये वाली एडिटिंग पसंद आई होगी। सो गाइस, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो भाई snowflakes17 के नाम से है मेरे इंस्टाग्राम में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, वहां से जाके कुछ भी पूछ सकते हो मेरे से इंस्टाग्राम में। और गाइस आप मेरे अभी तक चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है गाइस, सो शेयर भी नहीं करते हो तो गाइस आप शेयर कर दिया करो यार मेरे वीडियो को, मेरे को अभी आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो गाइस मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय गाइस। चल बॉम्बे मेरी माँ से मिलाता हूँ, चल घर पे तुझे हाथ से खिलाता हूँ, जो भी बोला वो हक से निभाता हूँ, तुझे चाहता हूँ, तुझे चाहता हूँ।